पीएम मोदी ने जून में ही दिवाली का गिफ्ट दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 4 बजे राष्ट्र के नाम संदेश दिया। 17 मिनट के इस भाषण में पीएम मोदी ने गरीब परिवारों के लिए अहम ऐलान किया। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण अन्न योजना दीपावली और छठ तक यानी नवंबर के आखिर तक जारी रहेगी। ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। उसको नवंबर तक बढ़ा दिया है। अब जो व्यक्ति अपने घर पे है या कहीं अन्य राज्य में भी है, उसके राशन कार्ड पर ऐसे 80 करोड़ लोगों को ये योजना विस्तारित कर दी गई है। अब ये 5 महीने के लिए और बढ़ा दी गई है नवंबर तक। ये बड़ी घोषणा है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में लोगों से अनलॉक के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि अब मौसम ऐसा है जब सर्दी जुकाम बढ़ता है, हमें जब ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है तब हम ज्यादा लापरवाह होते जा रहे हैं। मास्क, गमछा, फेस कवर और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार, ये सारे न जाने क्या क्या होता है, ये मामले बढ़ जाते हैं। ऐसे में मेरी आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखिए। आपको बता दें कि कोरोना संकट के दौरान पीएम मोदी का देश के नाम ये छठवां संबोधन था। इससे पहले 12 मई को हुए 5वें संबोधन में पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था और साथ ही लॉकडाउन 4 का भी ऐलान किया था। तो वहीं अपने छठवें संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि हम अनलॉक 2 की ओर बढ़ चले हैं।